दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। लंबे समय से लॉकडाउन में कामकाज पूरी तरह से बंद होने वाले परिवारों में गर्भवती महिलाओं की दक्षिण विधानसभा विधायक अनीता भदेल द्वारा गोद भराई की गई। दक्षिण विधानसभा विधायक अनीता भदेल ने बताया कि दक्षिण क्षेत्र में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और उनके परिवार में लॉकडाउन की वजह से कामकाज थम गया है और उन परिवारों में रह रहे गर्भवती महिलाओं के लिए सेहत की सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए आज यह कार्यक्रम रखा गया और क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को बुलवाया गया और सभी महिलाओं को उनकी और उनके बच्चे की सेहत के लिए सभी को सामग्री देकर गोद भराई की गई। वहीं सभी गर्भवती महिलाओं के टीका लगवाकर उनके और उनके बच्चे के आने वाले उज्जवल भविष्य को लेकर भी शुभकामनाएं दी गई। किस तरह से आज राहत दी गई है? आज हमारे क्षेत्र की ऐसी बहनें जिनके परिवार में लॉकडाउन के कारण से पिछले 1.5 महीने से उनके परिवारजन घरों में कैद है और उनकी कमाई का साधन जो है वो ख़त्म हो गया है, ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को शिशु के लिए पूरी डाइट चाहिए, डाइट उनको नहीं मिल पा रही थी। ऐसे समाचार मेरे को मिले कि कुछ बहनें हैं जिनको डाइट नहीं मिल पा रही है, वो परिवार में उनके कमाने वाले जो है घर में बैठे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उन गर्भवती महिलाओं के लिए ये आयोजन किया है और प्रत्येक महिला को हमने 5 किलो दलिया, 1 किलो घी, 3 किलो गुड़, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम किशमिश और 2 नारियल के गोले इस तरह से हमने भेंट किए हैं ताकि वो बहनें गर्भकाल के बाद में जो शरीर को आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर सके और बच्चे को ठीक प्रकार से स्तनपान करा सके, ताकि बालक भी स्वस्थ हो और माँ भी स्वस्थ हो।